हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सुप्रभात राधे राधे कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे हेल्दी स्वस्थ मस्त होंगे और आज की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले मॉर्निंग वॉक की मंजन किया ब्रश किया और उसके बाद फटाफट से मैंने वाकपे निकल गया अभी कोई काम घर का नहीं हुआ मैंने सोचा चलो वाक पे हो आते हैं आज मैं लेट ही उठ रही थी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी वॉक करने का टाइम है हल्का हल्का उजाला हो रहा है टाइम जो है ना अभी सुबह के छः बज रहे हैं आजकल कल छः बजे हल्का हल्का रहता है साढ़े पाँच बजे भी अंधेरा रहता है पाँच बजे भी अंधेरा रहता है क्योंकि मुझे पता होता है ना मैं उठ जाती हूँ चार साढ़े चार बजे तो मैं बाहर तकती रहती हूँ कि उजाला कितने बजे होता है ठंड के मौसम में आप लोगों को पता ही होगा कि उजाला थोड़ा लेट ही होता है सुबह के टाइम और हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है ठंड लग रहा था मुझे तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इंतजार रहता है ठंड के महीनों का क्योंकि ठंड का महीना होता ही इतना अच्छा है कि भाई सबको अच्छा लगता है आ, मतलब आरामदायक होता है छोटा सा दिन होता है काम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं जब सुबह उठ जाओ तो आ, जो है पूरा दिन आप सुबह शाम काम कर लो पूरा दिन आराम ही आराम रहता है हाँ ठंड के मौसम में काम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं जैसे मेथी के दाने सॉरी मेथी के पत्ते तोड़ना पालक के पत्ते तोड़ना इन सब में काम हो जाता है लेकिन मुझे जो कुछ भी कहो ना सुबह के ठंड का मौसम जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है और देखिए हल्की हल्की सुबह होने वाली है सनराइज़ होने वाला है और कुछ देर में बैठी रही कुछ देर में घासों पे चली थोड़ी देर मतलब बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर बैठ के हवा लेती हूँ ऐसा नहीं कि मैं वाक पे आती हूँ तो सिर्फ़ वाक ही करती रहती हूँ और घर छुट्टी है बच्चों ने चाय वाय बना के पी ली थी मेरे घर आने से पहले गुलू ने चाय बना दी थी अपने पापा को भी दे दी थी गौरी को भी दे दी थी हमारे घर में गोलू चाय बहुत अच्छी बनाते हैं और गौरी बोल रही है कि तुम तो टहलने चली गई और जो है यहाँ पे गाना भजन चल रहा था थो मैं थोड़ा सा डांस करके भी दिखा रही थी क्योंकि मुझे डांस वांस आता नहीं गौरी हमारी बहुत अच्छा डांस कर लेती बहुत अच्छा और गौरी यही बोल रही थी तुम तो टहलने चली गई चाय भी बना के नहीं पिलाई किसी को जगाई मैंने कहा मैं सोच रही थी कि जब तक मैं टहल के आऊँगी तब तक तुम लोग उठाऊँगी लेकिन तुम लोग पहले उठ गए तो फिर मैं क्या करूँगा और गौरी वही अपना गौरी की बातें इतनी प्यारी होती है ना कि हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा और हाँ लड़ाई तो इतना करती है इतना लड़ाई करती है घर में कि क्या ही बताए मतलब सब से लड़ जाती है गोलू से लड़ जाती है अपने पापा से भी लड़ जाती है और मुझसे तो पूछो ना मुझसे तो ज़बरदस्ती ये नहीं बनाती वो नहीं बनाती वो नहीं बनाती हो ये बनाया करो वो बनाया करो तुम सिर्फ देखती रहती हो बनाती कुछ नहीं मैंने कहा हाँ देखती हूँ सोचती हूँ बनाऊँगी पर इतना ज़्यादा ऑयल ऑयल रहता है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ तो सो झाड़ू वाड़ू लग चुका है चाय बनाया नहीं अभी मैंने पानी नहीं पिया था सुबह से मैंने आते ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया क्योंकि छुट्टी के दिन ना कोई काम होता नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ ना कि जैसे छुट्टी के दिन में रहे तो पूरा ध्यान करके ही किचन में आऊँ फिर कुकिंग की तैयारी करूं और जब बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है स्कूल होता है तो फिर तो मजबूरी ही होती है कि इतनी सुबह हम स्नान ध्यान पूजा पाठ घर की साफ़ सफ़ाई नहीं कर सकते पाँच बजे उठ के तो इसलिए सबसे पहले टिफिन बनाने का काम करना ही करना होता है लेकिन जब मजबूरी कोई ना रहे तो फिर अपना अपना आराम से स्नान ध्यान करके फिर किचन में आओ और यह मुल्तानी मिट्टी मसूर पाउडर चावल का आटा इसमें बेसन है बहुत सारी चीज़ें हैं ये मतलब रेडीमेड फेस पैक है पायल सिन्हा हर्बल हीना सॉरी पायल सिन्हा हर्बल फेस पैक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कपूर है देसी ये बहुत ज़्यादा चेहरे पे ना ठंडक देता है इस गर्मी में लगा पर पूरी गर्मी बीत गई मुझे याद ही नहीं रहा ये डब्बा मैंने रख दिया था तो कभी कभार मैं फेस पर लगा लेती हूँ देखिए ये फेस को आपको गोरा बोरा बिल्कुल नहीं करेगा सब ये डर्ट गंदगी भी नहीं साफ़ करेगी सिर्फ आपको ये इससे स्किन टाइट होगी और थोड़ी बहुत ठंडक मिलेगी बस इतना ही काम करता है ये ना आपको गोरा करेगा ना ही आपके स्किन के कोई मैल को जेल निकालेगा सिर्फ आपको ठंडक प्रदान करेगा और मुल्तानी मिट्टी क्या होती है ना आपके चेहरे को टाइट कर देती है तो मैंने सोचा चलो ये फेस पैक लगा ही लेते हैं रखे रखे खराब ही हो जाएगा थोड़ा सा मतलब फेंकने से अच्छा है किसी ट्राई कर लेते हैं और मैंने अपना आँख बंद करके पानी पिया क्योंकि इसमें कपूर होती है ना कपूर बहुत ज़्यादा ठंडा आती है उसके बाद फिर से स्नान ध्यान पूजा पाठ किया फिर से किचन में एंट्री हुई है और अभी सुबह के बज रहे हैं आठ आठ बजे आज मैं नाश्ता बनाऊंगी मैं बहुत कम नाश्ता पास्ता बनाती हूँ बच्चों का स्कूल होता है तो नॉर्मल सिंपल सा सब्ज़ी रोटी वगैरह बना देती हूँ और उसके बाद दोपहर में भी मैं लंच ही बना देती हूँ दाल चावल जो कुछ बनाना होता है नाश्ता बहुत कम मेरे यहाँ बनता है क्योंकि जब सब लोग नाश्ता कर लेते हैं ना तो फिर दोपहर का लंच भूल ही जाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा तब फिर पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है कि लंच कर लो लंच कर लो और सब्जी और मैं सब कुछ टमाटर उमाटर प्याज व्याज धनिया मिर्ची ये सब निकाल लूँगी बनाऊँगी आज मैं पोहे बहुत दिन हो गए थे पोहे खाए तो मैंने कहा चलो सिंपल अपने नाश्ते के लिए पोहे बना रहा हूँ सबके लिए भी थोड़ा सा बना देती हूँ तो पोहे के लिए मैंने यहाँ पे मूँगफली पोहा शिमला मिर्च प्याज करी पत्ते अनार के दाने हरी मिर्ची धनिया के पत्ते टमाटर इन सबको सबसे पहले मैं कट कर लूँगी इन सबको सबसे पहले धुल लिया है क्लीनिंग कर लिया उसके बाद मैं इसको कटिंग चॉपिंग करूँगी और थोड़ा सा मूँगफली भी आज मैं ऐड करूँगी बहुत बढ़िया पोहा बना है इस तरीके से आप बना आइएगा और इसमें ना आप नींबू और थोड़ा सा चीनी जरूर ऐड कर दीजिएगा चाहे आप खटास के लिए आ, नहीं तो ये क्या होता है ना चाट मसाला टमाटर से खटास आ जाती है कटिंग हो चुकी थी पोहा बनाने से पहले मैंने पोहा को धुल करके रख दिया क्योंकि पोहा पहले से धुल के रख दो तो सॉफ्ट हो जाता है खूब मुलायम हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाला है सबसे पहले मूँगफली को भून करके निकाल लेंगे अच्छे से इनको क्रिस्प होने तक खूब अच्छे से भून लें उसके बाद इनको निकाल लें थोड़े से तेल में मूँगफली भूने उसके बाद थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दें जितने में आपका पोहा बन जाए हींग डाली है मैंने थोड़ा सा इसमें हींग और राई के दाने काले वाले जो राई के दाने होते हैं ना बड़े वाले उसको मैंने डाला है उसके बाद प्याज हरी मिर्ची ऐड कर दिया है करी पत्ता तुरंत तेल में डालो तो बहुत तेल के छीटे आ जाते हैं इसलिए मैं थोड़े से बाद में कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ प्याज व्याज के साथ तो इतना तड़तड़ाता नहीं है नहीं तो जैसे तेल में डालो ना तड़तड़ाने की बजाय जितना पूरा छींटा रहता है पूरा दीवार पर लग जाती है कड़ी पत्ता ज़रूर डालें आपके पास है बहुत बढ़िया स्वाद आता है पोहा बहुत बढ़िया लगता भी है नाश्ते में ही क्या होता है ना आप वज़न कम कर रहे हैं पोहा आप खाएं बहुत देर तक पेट भरा रहता है पोहा हेल्दी नाश्ता है वजन कम करने के लिए वजन मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे टमाटर सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था इसमें मैंने डाल दिया था नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाला है नमक भी मैंने डाल दिया था पहले ही ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए उसके बाद पोहा ऐड कर दिया है अगर आपका पोहा ड्राई ड्राई लगता है बहुत सूखा सूखा लगता है तो इसमें आप पानी के छीटे मान जरूर मार दें या फिर आप एक नींबू का जूस नि, आ, न, निचोड़ दें थोड़ा सा शक्कर भी इसमें ऐड कर दें टमाटर के साथ तो ये खट्टा मीठा पोहा बन जाएगा आपको जैसा पसंद हो इसमें मैंने मूंगफली ऐड कर दी है और साथ ही इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देती बढ़िया फ़र्स्ट क्लास पोहा बनकर तैयार है आप सर्व करें इसको नमकीन के साथ सर्व करें या फिर सेव भुजिया के साथ सर्व करें या फिर अनार के दाने के साथ सर्व करें या फिर ऊपर से कच्ची प्याज और हरी मिर्ची के साथ सर्व करें नींबू के साथ जैसा आपको पसंद हो वैसा खाएं आज मैंने अनार के दाने रखे थे अनार रखे थे तो उनको मैंने छील करके निकाला था अनार के दाने के साथ भी बहुत अच्छा लगता है पोहा मुझे बहुत पसंद आया अनार के दाने मैंने थोड़े से कम डाले थे बाद में मैंने और सारा अनार के दाने डाले और यहाँ पे बच्चे मतलब इतना आफत कर देते हैं इतना आफत कर देते हैं क्या ही बता मतलब हंसते हंसते पेट दुखने लग जाता है दोनों बच्चे रहते हैं आपस में लड़ भिड़ जाते हैं और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठ के खा रहे हैं साथ में मैं भी खा रही हूँ आप लोग भी आ जाइए पोहा हमारे साथ खा लीजिए थोड़ा सा मैं अनार के दाने बोल रही थी ना मुझे बहुत अच्छे लगते रहे थे अनार के दाने और गौरी को खटास कम लग रही थी नींबू मांग रही थी नींबू था नहीं घर में अवेलेबल जब तक नींबू रहता तब तक निचोड़ निचोड़ बच्चे पी लेते हैं तो ये चाट मसाला और डाल रही है इनको चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है खट्टा वाला तो ये नींबू मांग रही थी लेकिन नींबू था ही नहीं और उसके बाद मैंने नाश्ता किया तुरंत अब दोपहर के लंच की तैयारी करूँगी कटिंग करना शुरू कर दिया था मैंने कहा आप लोग घर में रहते हैं तो भी थोड़ा सा हाथ नहीं ते हैं पतिदेव जी फिर आए गए चलो छोड़ो, आ, मैं सब्जी कटिंग कर देता हूँ तुम अपना कोई और काम कर लो चलो भाई जीव के दान पाए हम अपन हट गए सब्जी काटे पतिदेव जी ले गए सब्जी कटियां आराम से टीवी देखा देखा तो उसके बाद हमने चावल धुल करके रख दिया आज मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी चावल और रोटी बनाऊंगी क्योंकि क्या है ना कि इसके एक दिन पहले मैंने कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी रखी है तो फिर दाल बनाने का कोई मतलब नहीं थोड़ी थोड़ी कढ़ी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी शिमला मिर्च की यही सब खा लूँ खा लेंगे हमारे यहाँ जब शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है ना तो उससे सब लोग चावल भी बहुत पसंद करते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी और चावल बिटिया भी शिमला मिर्च की सब्ज़ी चावल खाएगी गोलू भी शिमला मिर्च की सब्ज़ी चावल खाएंगे तो फिर दाल बनाने का कोई मतलब नहीं और बचे पतिदेव तो वो कढ़ी से खा लेंगे जो बची हुई है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई इसमें जीरा डाला है और लहसुन लहसुन डाला है हरी मिर्ची डाली है प्याज डाला है इसको अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए और शिमला मिर्च की सब्जी तो आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है पहली बार नहीं शेयर कर रहे हैं और बिटिया थोड़ा सा कम खा रही है आजकल बाकी थे सभी लोग खा ले रहे हैं गोलू तो बहुत पसंद से चाव से खाते हैं हाँ एक कमेंट हमारे पीवर का आया था इसमें मटर डाल दो बस अब मटर का सीजन आने वाला है हर सब्जी में मटर जाएगी कोई ऐसी सब्जी नहीं होगी जो बिना मटर के बनेगी क्योंकि मटर इतनी पसंद है मुझे इतनी पसंद है ना आलू मटर आलू गोभी मटर मटर के निमोने मटर 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 ही बच्चे उब जाते हैं मटर के सीजन में कि हर सब्ज़ी में मटर साथ ही मैंने इसमें टमाटर नमक मसाले सब कुछ ऐड करके इसको ढक देते हैं तो ये थोड़ी देर पकता रहेगा जब तक इधर हमारी सब्जी पक रही है फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ आटा कूद करके दस मिनट आप उसे रेस्ट जरूर दें तभी आपकी रोटियाँ सॉफ्ट मुलायम बनेगी मुझे घर के जैसे गेहूं के पिस आए हुए आटे की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन ये क्या है इस बार मैंने गेहूं लिया नहीं तो अब रेडीमेड ही रोटियां खानी पड़ती है सॉरी रेडीमेड गेहूं पिसा पिसाया आटा जो आता है उसकी रोटियां पिसा पिसाया जो आटा आता है ना वो एकदम मैदे जैसा लगता है यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दी अपने लिए मैंने एक थी एक रोटी बाजरे की सॉरी ज्वार की मैंने बनाई है और साथ ही इसमें चुकंदर से मैंने इसका आटा गूंथा था खाना बन चुका था दोपहर का लंच तैयार हो चुका था थोड़े बहुत बर्तन निकले थे मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ बर्तनों को भी धुल देते हैं किचन में निकलने से पहले और किचन से बाहर निकलने से पहले मैं गैस जला के चावल भी रख देती हूँ एक सीटी में चावल बन जाएगा तो आज के दोपहर के लंच में यही है आ जाइए आप लोग भी लंच थाली में शामिल हो जाइए थोड़ी सी कड़ी सलाद एक रोटी थोड़ा सा शिमला मिर्च की सब्जी और थोड़ा सा चावल लिया है मैंने आज उससे खाने के लिए जो बना था क्या कहते हैं कढ़ी जो ली है ना उसे खाएंगे थोड़ा सा चावल क्योंकि रोटी हमने एक ही ली है और खाने को बढ़िया से चबा के आराम से अपने खाने के लिए अपने लंच के लिए अपने वॉक के लिए खुद के मेंटेन के लिए खुद की, की देख रेख के लिए आप अपने लिए ज़रूर टाइम लें निकालें क्योंकि हम हाउस वाइफ क्या होता है दिन भर दूसरों के पीछे भागते भागते ना खुद के लिए टाइम नहीं मिलता और जब खुद थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना तो उसमें आराम कर लेते हैं लेट जाते हैं तो लेटना आराम करना तो बहुत ज़रूरी होता होता है क्योंकि भाई हमें भी आराम की ज़रूरत हुई हमें बहुत कमर में पेन होती है ना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं सोचते हैं कभी कभार तो हमारा ऐसा पूरा दिन निकल जाता है काम के पीछे भागते भागते कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए जैसे आराम लेटे लेटे मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ वॉइस ओवर कर लेती हूँ जो भी मुझे काम होता है और उसके बाद मतलब ऐसे चलता रहता है दिन मतलब दिन भर कहो तो फुर्सत नहीं लेकिन हाँ उन्हीं जो टाइम होता है उन्हीं में से मैं थोड़ा बहुत अपने लिए ज़रूर टाइम निकाल लेती हूँ शाम का टाइम हो चुका है वाक का और मैं कितना भी बिजी रहूँ कितना भी अभ्यस्त रहूँ यहाँ तक कि मैं काम छोड़ देती हूँ कहती हूँ लौट के आऊँगी तो मैं काम करूँगी लेकिन मैं वाक करने ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मन की शांति के लिए मन की खुशी के लिए थोड़े से शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए हमें वाक पे जाना बहुत ज़रूरी होता है शाम के टाइम अब हल्की हल्की ठंड बढ़ी है सुबह के टाइम भी ठंड बढ़ चुकी है हल्का हल्का कूड़ा सा ऐसे होने लगा है जैसे धुआँ सा होने लगता है घर आके दोपहर के सॉरी घर आके सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया है और आज मैं दही लगाऊंगी ठंड के मौसम में ना दही भी ठीक से नहीं जमती है एक दिन में दही जमने के लिए पूरा दो दिन टाइम चाहिए होता है वैसे तो जम जा रही है अभी लेकिन जैसे जैसे बहुत ज्यादा ठंडी आएगी ना वैसे वैसे दही जो है जमना बंद हो जाएगा यहाँ पे मैंने आलू और मैंने करेला छील के रखा था कलौजी बनाने के लिए फिर मैंने सोचा बाद में इसको सुबह ही बनाएंगे कलौजी एवरीवन गुड नाइट अभी बज रहे हैं रात के साढ़े आठ और घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं चूल्हा चौका खाना पीना सब समाप्ति हो चुकी है बस रह गया था आप लोगों से बातें करना शाम के टाइम मैंने बनाई थी सब्जी करेले की और रोटी बनाई थी और सुबह की जो शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी वो भी बच गया था और सब लोग शाम के टाइम दूध वगैरह मलाई वगैरह से खा लेते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं वैसे एक सब्जी बना देनी होती है कभी कभार नहीं भी बनती है ऐसा कोई फिक्स नहीं है लेकिन फिलहाल आज मैंने करेला बनाया था शाम के टाइम सबने खाना वाना खा लिया मैंने भी खा लिया किचन की साफ सफाई सारे काम हो चुके हैं खत्म और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे ब्लॉग भी खत्म करेंगे मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट शुभरात्रि थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वस्थ रहे मस्त रहे आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक किया करिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नए ब्लॉग में गुड नाइट शुभरात्रि थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें